सो इस फ्लैट के साथ हम एक और ऑफर दे रहे हैं, 21,000 रुपए लेके आओ आप मात्र और अपना फ्लैट कराओ बुक। दिवाली से पहले ये ऑफर चल रही है और साथ में एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिलेगा। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। और ये जो 21,000 वाली बात है मैंने अभी बोल दिया, तो ध्यान रखना, फटाफट से कॉल करो इन नंबरों पे और अपनी डील क्रैक कराओ। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए ये बेल के बटन को और पाइए मेरी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वीबीओ गाइस। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना एक 2 BHK, जो कि ओनली एंड ओनली 2 यूनिट हमारे पास पड़ी हैं, जिसमें कि एक फ्लैट है टॉप फ्लोर, एक फ्लैट है अपर ग्राउंड। तो बस 2 यूनिट अवेलेबल हैं, फ्लैट ऑलमोस्ट रेडी है, काम बहुत ही प्यारा करवाया है। आपको पूरे फ्लैट की वीडियो दिखाने वाला हूं, तो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस टाइम पे हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग के अंदर। पार्किंग आप देख सकते हैं इस टाइम पे पूरी ह्यूज पार्किंग है, बिल्कुल एंड तक जा रही है। और यहाँ पे आपको मिलेगी 12 गाड़ियों की पार्किंग। और अब कुछ देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो फॉल सीलिंग में प्रॉपर डिजाइन दिए हुए हैं। और कोई भी अगर आप फंक्शन करना चाहें इस पार्किंग के अंदर, तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हमने इस तरीके की डिजाइन दी हुई है। पार्किंग के अंदर आपको मिल जाएगा एक वॉशरूम, बाइक पार्किंग करने की जगह, कार पार्किंग करने की जगह, और साथ में मिल जाएगी एक लिफ्ट। लिफ्ट अभी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, फ्लैट हमारा रेडी होने वाला है, तो बस थोड़े दिनों में रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे स्टेयरकेस के ऊपर बहुत ही प्यारी, हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट दी हुई है। और यहाँ से चलते हैं अब ऊपर, तो जो हमारे पास फ्लोर इसमें अवेलेबल है वो है एक तो अपर और एक है टॉप, आपको मैं बता चुका हूँ। तो अपर में चलते हैं हम। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आपको हेवेल्स की MC लगी हुई मिल रही है। SS का गेट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगा हुआ है। 3 चाबियां मिलेंगी आपको इसके साथ में। और अब चलते हैं अंदर को, और अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे अभी सारी कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज लाइट्स और हो जाती, फैन भी अभी कनेक्ट नहीं है। थोड़े टाइम में कॉप लाइट भी डलेगी, जो कि और लुक इनहेंस करेगी इस कमरे की। और ये वाली वॉल के ऊपर या जोन सी भी वॉल के ऊपर आप डिसाइड करेंगे, उस पर हम देंगे आपकी चॉइस का वॉलपेपर। और ड्राइंग रूम के साथ में हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे एक TV का पैनल विद 2 ड्रॉर्स, जिनको आप आराम से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अभी इसके हैंडल नहीं लगे क्योंकि काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी लाइट्स आएंगी थोड़े टाइम के अंदर, और एक अच्छा सा TV आप अपनी मर्जी का लगवा सकते हैं, वो हम नहीं दे रहे। सो ड्राइंग रूम के अंदर हम आ गए। सबसे पहले आया ड्राइंग रूम, साथ में आता है हमारा एक फर्स्ट बेडरूम, जो कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके का रूम है। वेंटिलेशन की बात करें तो रूम के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे एक विंडो, और ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग का डिजाइन कुछ मिल रहा है। इसके अंदर कॉप लाइट अभी भी मिसिंग है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेस नहीं आ रही, पूरी ग्रेस आएगी जब कॉप लाइट लग जाएगी। और इस 2 BHK के अंदर हमने दिया हुआ है इस बार एक आपको ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे, और एक बहुत ही बड़ी, आप देखिए ध्यान से, तो भाई साहब इतनी बड़ी वार्डरोब दी हुई है हमने, जो कि स्लाइडर के साथ खुलेगी। आप देख सकते हैं काम अभी भी चल रहा है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, तो इस करके थोड़ा सा भी जो भी है उसको अवॉइड करना, साफ सफाई को। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वार्डरोब मिल रही है, आराम से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अच्छा स्पेस मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे कोट वोट लटकाने के लिए, और यहाँ पे कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने ब्लैंकेट रखने के लिए आपको जगह मिलेगी। So, ये वार्डरोब हम दे रहे हैं 2 BHK के अंदर, इतनी बड़ी, तो सोचने वाली बात है अच्छा है या नहीं है, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे अभी बीच में शेल्फ्स लगनी बाकी है, तो ये लेडीज के लिए ड्रेसिंग टेबल भी हमने मैंडेटरी दिया, क्योंकि भैया उसकी जरूरत होती ही होती है। अब चलते हैं वापस अपने ड्राइंग रूम के अंदर। तो जब ड्राइंग रूम के अंदर आ गए और मेरे घर में आए हुए गेस्ट, तो भाई वॉशरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक वॉशरूम दिया हुआ है, आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वॉशरूम दिया हुआ है। अब इसकी प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लगेगा आपका एक वॉश बेसिन, यहाँ पे लगेगा आपका खाने का और ऊपर शॉवर, और यहाँ पे लगेगी आपकी टॉयलेट सीट। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट का हमने थोड़ा सा पैनल दिया हुआ है, जो की देखने में अच्छा लगेगा, और आप अपनी जो भी डेली यूज के आइटम्स है वॉशरूम के यहाँ पे आप रख भी सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक आपको एग्जॉस्ट लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे एक ग्लास मिलेगा जिससे लाइट भी आएगी, तो वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है पूरे फ्लैट के अंदर। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा साइज और बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। आप एक बार ध्यान से देखिए जो टाइल का पैटर्न है, मेरे को ये कलर खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भैया ग्रीन कलर का है और बहुत ही एनहांस कर रहा है इसकी लुक को। साथ में जो ये हमने यहां पे स्लैब लगाया है,
ये भी बहुत अच्छा कलर है। थोड़ा मैं पास से दिखाता हूँ आपको और देखिए कैसा लग रहा है और बताइए। किचन के अंदर काम आपने देख लिया है, पूरा कंप्लीट एसएस का वर्क किया हुआ है और कोई भी काम की कमी नहीं है। कितने प्यार से चैनल आप देख सकते हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। और अभी यहाँ पे इसके नीचे की तरफ पे हम लाइट्स देंगे, जिनको कहते हैं कोप लाइट कहते हैं या प्रोफाइल लाइट्स कहते हैं। हर एक एक जगह का हमने प्रॉपर यूज किया हुआ है। आपको जानबूझकर सारी चीजें दिखा रहा हूँ क्योंकि भैया तभी पता लगेगा आपको कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ पे हमने आरओ का पॉइंट दिया हुआ है और इस जगह पे देखेंगे एक एग्जॉस्ट आपको मिल सकता है। चिमनी हमारी तरफ से यहाँ पे मिल रही है आपको, अभी नहीं लगी, लग जाएगी। यहाँ पे जितने भी ऊपर के डोर्स हैं ये सारे हाइड्रोलिक में खुल जाएंगे, तो ये चीज भी काफी बढ़िया है। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड बेडरूम में जो कि यहाँ पे है। हम आ गए अपने सेकंड बेडरूम के अंदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, पूरा खुला डुल्ला रूम है। रूम आपने देख लिया है, ये रूम है, साथ में बालकनी है और इसके अंदर अटैच एक वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ इसकी सेटिंग्स आएंगी, ऊपर शावर होगा, यहाँ पे आपका बाथिंग सेक्शन आ गया, यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा होगा जो की एक कॉर्नर वॉश बेसिन होगा यहाँ पे, और इस जगह पे आपकी लगी होगी सीट, वॉल हैंगिंग सीट होगी, साथ में फिर वही टाइप का हमने कुछ पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे ये लाइट अभी जल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का हमने डिजाइन किया हुआ है। बात करते हैं इसकी बालकनी के बारे में कि बालकनी है या नहीं है। तो ये बालकनी मिल रही है आपको यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाएगा प्रॉपर, और ये बालकनी पूरी ग्लास की साथ में लगी हुई। तो अब यहाँ से आपको एक बार पूरा वॉक थ्रू दे देता हूँ। ये आ गया अपना रूम, पैटर्न कुछ ऊपर दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे आ गया अपना वॉशरूम, आप देखेंगे यहाँ पे आ गई किचन, और ये आ गया अपना वापस ड्राइंग रूम। पूरे पैटर्न आपको मैंने दिखा दिए हैं, वॉक थ्रू आपको पूरा दे दिया है। और ये देखिए अब हम आ गए अपने लास्ट बेडरूम में जिसमें पूरी वार्डरोब है, और ये पैटर्न और ये डिजाइन हमारी तरफ से आ रहे हैं। फॉल सीलिंग में कुछ ये डिजाइन है, और यहाँ पे आएंगे तो ये आ गया हमारा वॉशरूम कुछ इस तरीके से। अब हमने आपको पूरा दिखा दिया 2BHK, अब आपको इसकी लोकेशन समझा देते हैं। काम हमारा आपने देख लिया है, पूरा अच्छे तरीके से किया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी है हर चीज की बहुत ही अच्छी होती है। अब इसकी लोकेशन समझा देता हूं मैं आपको। लोकेशन जो पड़ती है दाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन से 300 से 400 मीटर की दूरी पे, माता चंदन देवी हॉस्पिटल से 200 से 300 मीटर की दूरी पे ये फ्लैट पड़ रहा है। और पानी की सप्लाई यहाँ पे 24 घंटे गवर्नमेंट वाटर की आती है, और हमारी तरफ से ग्राउंड वाटर भी लगा हुआ मिलेगा आपको। पानी का मीटर, बिजली का मीटर हमारी तरफ से मिलेगा, चिमनी हमारी तरफ से मिलेगी, और भी आपके लिए कुछ हो सकता है। अब आप अगर इस फ्लैट को लेना चाहते हैं तो अब आपको करना क्या है, फटाफट से नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपनी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए किस टाइम पे आप आ रहे हैं, ऑफिस में अपडेट दीजिए और विजिट कीजिए ऑफिस को। बिकॉज इस वाले फ्लैट के अंदर मेरे पास दो यूनिट अवेलेबल है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जिसमें एक रूफ राइट के साथ है, एक विदाउट रूफ राइट के साथ है, कार पार्किंग साथ है, लिफ्ट साथ है। और अगर आप दिवाली से पहले ये फ्लैट को बुक करते हैं तो एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट भी हम आपको देंगे इस फ्लैट के साथ। तो बस फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और भी वीडियोज अब ज्यादा आने वाली हैं अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पीस। कौन से वाला? अपना एक छोटा सा घर हो, चाहे वो लोन पे हो बट अपना हो, क्योंकि रेंट देने से अच्छा आप लोन की किस्तें दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो पीस मिलेगा। बाय बाय।